भाई गुरशरण सिंह जी लुधियाना वालियां दी रस भिन्नी आवाज विच हर वेले कथा कीर्तन अते सिमरन दा आनंद मानन लई भाई गुरशरण सिंह जी ऑफिशियल चैनल यूट्यूब नू सब्सक्राइब करो अते नवे कीर्तन वीडियोस लई बेल आइकन नू जरूर दबाओ अते ऑल नू सिलेक्ट करो। इस नाल हर नवे वीडियो दा नोटिफिकेशन आप जी दे मोबाइल ते आएगा, फिर तुसी उस दा आनंद माण सकदे हो। वाहे गुरु Bye.
ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਹਰ ਪਾਵੈ ਸੋ ਹੋਏ ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਹਰ ਪਾਵੈ ਸੋ ਹੋਏ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਿਮਰਤੈ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਕਾਮ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਿਮਰਤੈ मान कहां करे जग सुपने स्यों जान झूठे मान कहां करे जग सुपने स्यों जान इन में कछ तेरो नहीं इन में कछ तेरो नहीं इन में कछ तेरो नहीं नानक कयो बखान नानक कयो बखान गुन गोविंद आयो नहीं जन्म कारथ कीन गुन गोविंद आयो नहीं जन्म कारथ कीन नानक हर पज मना जे विद जल को मीन कहो नानक हर पज मना जे विद जल को मीन गुन गोविंद गायो नहीं जन्म कारथ कीन गुन गोविंद गुन गोविंद गायो नहीं जन्म कारथ कीन गुन गोविंद गायो नहीं जन्म कारथ कीन मन माया में रम रहो मन माया में रम रहो निकसत नाहिन मीत सतना नानक मूर्त चित्र ज्यो छाड़त नाहिन पीत नानक मूर्त चित्र ज्यो छाड़त नाहिन पीत मन माया में राम रहो असलियत सतगुरां ने बयान की जो जगत दे विच सतगुरु जी वरतदा वेख रहे ने साहिब ने कलम बंद कर दिया साईं कहिंदे मैं वेखदा पिया मन माया मैं रम रहे फस गया फस गया निकसत नाहिन मीत कहते हो मेरे मित्रा इना फस गया इना फस गया कि हुण निकलदा नहीं निकलदा ते केडी खूबसूरत एग्जाम्पल दे के समझाए केडी खूबसूरत एग्जाम्पल दे के कहते नानक मूर्त चित्र जी मूर्त शब्द वरते आज छाटत नाहिन पीत पीत कहते ने कंध नू दीवार नू जिवें दीवार दे विच कोई चित्र कोई मूर्त चित्र दे
बना दिओ या कई बारी पत्थरां दे विच घड़ घड़ के मूर्त बनाई जाती है को सतनाम मूर्त बनाई जाती हूँ दीवार दे विच एक फोटो टंगी होवे चित्र टंगिया होवे आपां कहिंदे आ उहनूं लै के आ वो कंध तो अलग हो सकती पर जेड़ा चित्र दीवार दे विच ही चित्र आ गया गल तू समझ ना जेड़ा चित्र दीवार दे विच ही चित्र आ गया उन्हों दीवार तो उन्हों कंध तो अलग नहीं किया जा सकता कंध तो ढाई जा सकती है सात संगत पर चित्र नहीं अड किया जा सकता को सतनाम साईं कहिंदे ने नानक मूर्त चित्र ज्यों छाड़त नाहिन जिवें कंध दे विच चित्री होई मूर्ति चित्री होई ओ चित्र कंध तो अलग नहीं हो सकता कहिंदे एदां ही मन माया दे च रमिया होया को सतनाम मन माया च रमिया इन्ना फस गया मन सत्संग हुण निकलदा नहीं निकलदा अगे सतगुर कहिंदे ने आ सुनो नर चाहत कछ और नर चाहत कछ और नर चाहत कछ और नर चाहत कछ और की और भई और की और चितवत रे ओठ गोर चितवत रे ओठ गोर नानक फांसी गल परी नानक फांसी गल परी हाँ जी नानक फांसी गल परी नानक फांसी गल परी मन बहुत कुछ चाहता है साईं कहिंदे ए नर दा जिहड़ा मन बड़ा कुछ चाहता है नर चाहत कछ और ए बहुत कुछ चाहता है पर होंदा ओही कुछ है जो उस वाहिगुरु दी चाहत होंदी है को सतनाम वाहिगुरु की चाहत होती हर कोई सुपना चित्रदा कि मेरा सोना महल हो सोना घर हो मेरे को आ गड्डिया होन आ गड्डिया होन आ सुख सुविधा हो नर चाहत वो चाहता बहुत कुछ है पर औरे की औरे भाई औरे की औरे भाई का मतलब वो कुछ होंदा है जो कुछ उदी मर्जी होती है को सतनाम जो कुछ उदी मर्जी ते मेरे सतगुर कहिंदे ने मत्ता करे पच्छम कै ताई मत्ता करे पच्छम कै ताई पूरब ही ले जाते पूरब ही ले जाते हां जी पूरब ही ले जाते सोचता कुछ होर है पर होंदा कुछ होर है हर चीज तो सोच मुताबक नहीं होंदी ना जी नहीं होंदी सोचता कुछ होर है होंदा कुछ होर है बड़ी थावां ते सतगुरु एग्जाम्पल देंदे हसदा होया कई बारी घरों जांदा है हसदा होया खिड़खिड़ा होया घरों जाता तो जो घर आता रोंदा होंदा है को सतनाम सारे कहते गया तो हसदा सी गया तो हसदा सी रोंदा वापस आए गल की मैं सोचा सी उत्थे जाके आ कुछ होएगा आ कुछ होएगा आ की मेरे नाल बन गया वो रोंदा वापस आता तो कई बार पुठा हो जाता कलपिया होया जाता रोंदा होया जाता गेड़े मारी जाना मेरे काम नहीं बनते गेड़े मारी जाना काम नहीं बन की बनेगा
मेरा चिंता दुबदा सोचां दे विच रोंदा होया जा रहा, पर जदों घर आंदा नचदा होया आंदा है, नचदा होया तो सारे पुछदे की होया, कहिंदे बन गया काम बन गया मेरा, हुंदा कि नहीं। चाहत होर होंदी है पर हो कुछ होर जांदा, हो कुछ होर जांदा। मेरे सतगुर कहिंदे ने जी की कहिंदे, हस तो जाए सो रोवत आवे, हस तो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हसे, रोवत जाए सो हसे, हस तो जाए सो रोवत आवे। कई बार इदा दृश्य भी होंदा ते कई बारी रोवत जाए सो हसे, हस तो जाए सो रोवत आवे, हस तो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हसे, रोवत जाए सो हसे, बस तो होए होए सो गुजरे, बस तो होए उजर होए सो बसे, उजर होए सो बसे, कहते बस तो होए होए सो उजर। कई बारी बसया होया सात संगत उजड़ जाता है, तो साईं कहते ने उजर होए सो बसे, कई बारी उजड़िया होया उदी रहमत हो जाती है सात संगत, उदी रहमत हो जाए उजड़िया होया भी ऐसा बसदा है, ऐसा बसदा सारे सुख मानने शुरू कर देंदा। आखो सतनाम सुख मान सत श्री अकाल। ताई साई कहिंदे नर चाहत कछ और, नर चाहत कछ और, और की और भई, और की और भई, चितवत रहो ठगोर, नानक फांसी गल परी, चितवत रहो ठगोर, नानक फांसी गल परी, ओ चितवत रहो ठगोर, नानक फांसी गल परी, चितवत रहो ठगोर, नानक फांसी गल परी। आ तो साडा सुभा है, आ साडा सुभा, जो कुछ सतगुरां ने वेख्या वो कुछ लिख दिता ताकि असी सुचेत हो सकीए, सुचेत हो सकीए। कहते चितवत रहो ठगोर, हर वेले ठगी दियां सोचां ही साडे अंदर चलदियां रहिंदियां, चितवत सोचता रहिंदा, चितवत रहो ठगोर, ठगी दियां ही सोचां सोचता रहिंदा। धन कमाणा माड़ा नहीं, धन कमाणा माड़ा नहीं, धन बहुत ज्यादा आ जाना माड़ा नहीं, पर सोचां दे विच ठगी होवे कि ठगी दे नाल मैं धन इकट्ठा कर ला आ माड़ा है, ठगी दे नाल कमाया बहुतात धन ओ माड़ा है, जहर है, बल्कि जहर जहर है। साई कहिंदे ने चितवत रहो ठगोर, नानक फांसी गल परी, ओ कीता की साडियां जितनियां सोचां हुंदियां ऐदा तुरना है, ऐदा करना है, जे चंगिया सोचां दे नाल पैसा कमाया जावे साई कहिंदे कोई दिक्कत नहीं, पर जे सोचां दे च ठगी होवे। आपां कई वारी बंदे नूं कहिंदे नहीं, कहिंदा सोच ही माड़ी है इहदी, आखो सतनाम। कई वारी पंजाबी च आपां कह दिंदे सोच ही माड़ी, गंदी सोच है, जदों सोचेगा हथिया लवा कि इदा कर ला कि। देखो अपना भला करना कोई माड़ी गल नहीं,
पर किसी का बुरा करके, किसी का नुकसान करके, किसी की खुशियां से पैर रख के अपना अपना चंगा करना, नहीं नहीं, वह माड़ी गल, वह माड़ी गल, अपना भला चाहना माड़ी गल नहीं, अपना चंगा चाहना माड़ी गल नहीं, पर किसी की खुशी को लताड़ के साथ संगत जी अपना भला करना, साई कहने नहीं भाई, फिर उदी सजाई नानक फांसी गल परी, गल परी, फिर फांसी, फिर बंधन, फिर फसिया जाएगा, घसिया जाएगा, फिर उदी सजा तैनू भुगतनी पेगी, क्योंकि अपनी खुशी दे खातर तू कई की खुशी लताड़ता रहा, खो सतना लताड़ता रहा। कई बार इदा ही होंगे, किसी दे घर समागम होवे ते सानू कई बारी कह देंदे, कहिंदे जी ये डेट साडी बुक कर लो, असी कहिंदे जी डेट बुक होई भी है ते तुसी अगली डेट ले लो कोई होर, नहीं साडे तां बच्चे दा जन्मदिन इसी दिन ही है, इसी दिन ही है साडे बच्चे दा जन्मदिन या साडी साडी मैरिज एनिवर्सरी, इदा करो उन्हों का प्रोग्राम कट कर दो, साडा कर दो, आखो सतना, उन्हों का प्रोग्राम तुम कट कर दो, साडा कर, भाई उदा कि कट कर दी कि होंगे, दूसरे की खुशी लताड़ के अपनी खुशी, कि मेरे घर समागम, मेरे घर खुशियां आ जा, उदियां खुशियां भावें खत्म होंदिया हो ही जाना, आखो सतना, साई कहते ना, कहते जे आ सोच रखी फिर कहते फाई फिर सजावां, तो मेरे सतगुरु जी देखो खुल के कह रहे की कहें, फाही सुरत मलू की वेस, फाही सुरत मलू की वेस, हौ ठगवाड़ा ठगी देस, हौ ठगवाड़ा ठगी देस। सतगुरु जी ने तो कमाल ही कर, कहते एक तो होंगे सरेआम ठगी करनी, सरेआम किसी की खुशी लताड़ के अपनी खुशी, पर कई बारी सतगुर कहें ने एक ठग वो होंगे जेडे वो बड़े खतरनाक ठग ने, बड़े खतरनाक, फाही सुरत मलूकी वेस, जिहड़ी सुरत है वह फाही है, फसाण वाली, फसाण वाली, ठगण वाली, फाही सुरत, ते वेस केड़ा पाया मलूकी, कहने मलूकी वेस चोला धर्म का पाया, चोला संतां वाला पाया, चोला गुरमुखां वाला पाया, ते उस चोले के पिछे सोच की है, फाही सुरत, सोच की है, फाही सुरत। साई कहते यह तो बहुत डाढ़ी सजा है, यदि तो बहुत डाढ़ी सजा, एक तो सामने आती है ना सात संगत, बंदा कहता तूने मैंने ठग लिया, पर एक एक लिबास धार्मिक पा के और ठगियां करे, लिबास पा के सात संगत अंदर कपट रखे, सतगुरु कहते नहीं। साड़ी हालत कई बार सात संगत इदा हो जाती, असी गुरमुख का सहारा लैने कई बार ठगण वास्ते, आखो सतना, गुरमुख का सहारा ले लेके निशाना की होंदा, ठगना, इहदे खीसे तो पैसे कढवाने, खीसे तो पैसे कढवाने, फाही सुरत मलूकी वेस, कहिंदे हौ ठगवाड़ा, हौ ठगवाड़ा, ठगां दा वाला, ठगां दा वाला, जिन्हों आप कहते ठगी का अड्डा, एक दो ठगियां होण ते समझ लगती है ठगी का वाला ही बन चुका है अंदर। देखो शर्म तो पहली वारी विच होंदी है, जिहड़ी लिया है ना शर्म या झाका, यह पहली वारी च होंदा, जदों पहली वारी ठगी कामयाब हो गई दूजी वारी झाका थोड़ा उतर जाता है, जदों दूजी वारी ठगी कामयाब हो गई तीजी वारी कट गया, इदां करद्या करद्या फिर बेशर्म हो जाता है, शर्म उतर जाती है, फिर एक दो ठगी नहीं, फिर अंदर ठगी का वाड़ा ही बन जाता है, ठगी का अड्डा बन जाता अंदर, हौ ठग वाला ठगी देश,
ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਠੱਗੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੱਗੀ ਵੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਠੱਗੀ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪੰਜ ਸੱਤ ਸਰੀਰ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਸਰਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੋ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕੁਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਮੁਸਕੁਰਾਏ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜ ਸੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਆਏ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ? ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਘਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਇਹਨੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਤਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸਾਥੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਨ। ਇਹ ਫਸਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਦਬ ਕਰਨਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਣਾ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਫਸਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਕੀਰੀ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਸੱਜਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਚੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਨੇ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾਈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ ਹੈ, ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਹੀ ਸੁਰਤ, ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤ, ਠੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤ। ਪਰ ਵੇਸ ਕਿਹੜਾ? ਮਲੂਕੀ, ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ। ਆਇਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਨੂਰ, ਇੰਨੀ ਚਮਕ, ਇੰਨਾ ਤੇਜ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਦਾ, ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਅਸਾਮੀ ਅੱਜ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਅਸਾਮੀ, ਇੰਨਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹਦਾ ਡਲਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਮੋਇਆ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ, ਮਾਇਆ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕੁਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਵਿਦ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਅਹੋ ਭਾਗ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਚ ਆਪ ਜੀ ਪਧਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਈ ਯਾਤਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਿਠਾਏ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਬੜੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੌਪੜੀਆਂ ਚੌਪੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ ਵਾਲਾ ਠੱਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਠੱਗ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਤਨਾਮ। ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਾਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਸਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਬੋਲੀ ਰੱਖੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤ ਬੋਲੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਕੋ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ, ਨਾਨਕ ਸਰ ਰੁਕਣਾ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅੰਗਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹਦਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਸਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ,
महापुरखा ने कहा सी कहिंदे राजन जे इत्थे रुकना है फिर संगत रूप होके रहना पेगा को सतनाम राजे राजे जिवें संगत अमृत वेले उठती है उवे अमृत वेले उठना पेगा ढाई तीन बजे दीवान दे विच आना पेगा। ये नहीं क्या मालदार असामी आई है राजा आया है कोई नहीं जी सारिया के लिए होर है तुहाडे लई तुसीं आराम नाल उठियो तुहानूं पराठे भी देंगे तुहानूं आ भी देंगे कोई नहीं है जी मलुकी वेस संतां वाला ते फाही सुरत माड़ी सुरत ना जिहड़े सच विच तुरदे ने जिहड़े सच नाल तुरदे ने सत्संग जिहड़े सच दे नाल जुड़े होए ने सुणो जिन्हां ने सच कमाया है जिहड़े सच दे विच तुरदे ने ओह नहीं परवाह करदे ओह नहीं परवाह करदे। आ सज्जन ठग महाराज नूं बड़ी चिपड़ियां चौपड़ियां जिहियां गल्लां करे मिठियां मिठियां गल्लां करे बड़ा उन्हें अपना प्यार भाव दिखाया। थोड़ा समा लंघिया प्रशादा आ गया महाराज प्रशादा छक पातशाह कहिंदे सानू भुख नहीं महाराज कमाल करदे हो साडी सेवा किवें प्रवान होएगी कहिंदे नहीं भाई भुख नहीं सर जी इन्हां नूं पुछ लो आप जी पुछ लो उन्हां नूं पुछिया मरदाना जी नूं मरदा महाराज आप जी हुण मुरशद ने कह दिता भुख नहीं ते मुरीद किवें कह देवे भुख लगी आखो सतनाम कहिंदे जी तुसीं भुख नहीं भुख नहीं कमाल दे हो तुसीं एडी दूरों सफर करके भुख नहीं। थोड़ा समा लंघिया दुध का गिलास लिया सेवा कर करके सत्संग फसांदा सी दुध का गिलास आ गया महाराज दुध तो छकोगे ना नहीं भाई इच्छा नहीं मरदाना जी ने पूछा जी आप जी जी इच्छा नहीं। रात पई हुण ये सोचता है भाई पैण सौण फिर मैं अपना काम कर इहदे जिहड़े बंदे वह भी इहदे कोल खड़े ने ताक दे विच अद्धी रात का समा होया इन्हें सोचिया सो गए होने हुण कमरे च खड़ाक होवे इन्हें भेजा वेखो जाके की करते जदों आ के उहदे बंदिआं ने दस्सिया कहिंदे महाराज उहदा इशनान करके चौंकड़ा ला के बह गए ने आखो सतनाम उहदा इशनान करके अद्धी रात का समा चौंकड़ा ला के बह गए कमाल है अद्धी रात का समा हो बंदा तो सुता होंदा ये किहड़े महात्मा ये किहड़े फकीर ने ये किहड़े साध ने जिहड़ा अद्धी रात में चौंकड़ा ला के बह गए। साध संगत रबाब की धुन छिड़ी बाबा मरदाना जी वर्गा रबाबी होवे आलम मस्त कर देंदे सन सात संगत आलम मस्त कर दे सन रबाब दी तारां छिड़ियां बाबा मरदाना जी ने कीर्तन किया गुरु नानक साहब समाधि स्थित ने नेत्र बंद बड़ी मिठी आवाज दे विच बाबा मरदाना जी कीर्तन कर रहे नाल रबाब बजा रहे गुरु नानक नूं कीर्तन सुना रहे ने। जदों आवाज सुनी रबाब दी जदों स्वर सुने शब्द सुनिया जिवें चिंबक लोहे नूं खिचदा मानो शब्द दी धुन सज्जन दे अंदरले नूं खिचदी होवे खिचदा आया उस कमरे दे कंध दे नाल सत्संग बाहरले पास कंध दे नाल ढो ला के खड़ा हो शब्द सुन रहे रस जिंदगी च ऐसा स्वाद कदे भी नहीं आया जिहड़ा स्वाद अज आ रहा अंदरों खेड़ा उहदे साथी ने आके उहनूं बुलाना चाहिया कि सज्जन जी वह कहिंदा खड़ जा बोलियो ना रस लैण दे आ रस ले लैण दे। जदों शब्द की समाप्ति होई
ਹੁਣ ਭਿਜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ, ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਵਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਰਹੇ ਨੇ ਧੁਨ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੋਲ ਬਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸੱਜਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਵਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਆ ਸੁਣ। ਉਜਲ ਕਿਹਾ ਚਿਲਕਣਾ ਕੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਉਜਲ ਕਿਹਾ ਚਿਲਕਣਾ ਕੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਤੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾਇਓ ਤੇਰੇ ਜੇ ਸੋ ਤੋਵਾ ਤੇਸ, ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਣ, ਆ ਸ਼ਬਦ ਛੇੜਿਆ ਜੀ। ਉਜਲ ਕਿਹਾ ਚਿਲਕਣਾ, ਚਿਲਕਣਾ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਭਾਂਡਾ, ਅੱਗੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਰਗੜਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਕ ਹੱਥ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜੀ ਕਲਕ। ਜਦੋਂ ਸਾਈ ਨੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਜਲ ਕਹਿਹਾ ਚਿਲਕਣਾ ਕੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾਂ, ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ। ਮਾਨੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਅਣਿਆਲਾ ਤੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੀਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੰਦਰ ਭਜਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਚਰਨ, ਤੇ ਧੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼, ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼। ਅੰਦਰਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਚੋਟ ਵੱਜੀ ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ। ਸਤਸੰਗ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਬੜਾ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਸੱਜਣ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਪਲਟਣ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਠੱਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਪਰ ਭੋਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ
गुरु नानक आप आया सजना तेनू सज्जन बनाने वास्ते आखो सतनाम सत श्री अकाल। ये सोचता असी ठगी नाल लेके आए हाँ भुला के लेके आए हाँ और गुरु नानक आए सज्जन वास्ते सर रोई जांदा बस इक्को ही गल मैनू बख्श। साई ने सिर ते हाथ फेरिया कहिंदे सज्जन उठ उठ रोई जांदा मैनू बख्श पहले तैनू सब पता है तू अंदर दियां जानन वाला है तैनू पता है कि मैं लिबास करके सज्जन हाँ मैं मलूकी वेस खाली ए वेस फकीरां वाला धारिया संतां वाला धारिया पर अंदर फाही सुरत है तैनू पता है मेरी असली किरत की तैनू सब पता है बाबा तैनू सब मैनू बख्श। साईं कहण लगे कितने कतल कीते दस कोई गिनती है कितना तू माल खजाना लुटिया कितना जी घात की सजना किस अर्थ दस तो सही किस अर्थ दस कोई लाभ होया तैनू कोई लाभ होया सजन अंदर दी सजन ताई हुण दिखा को सतना हुण अंदरों सजन बन तू नाम का सज्जन नहीं तू एक लाख का सज्जन बन मानो सतगुरु सज्जन नु नहीं सानू आ ज्ञान दे रहे ने आखो सतनाम वाहिगुरु सानू ज्ञान आ ज्ञान सज्जन नु तो है पर आ ज्ञान सानू भी नाल है क्योंकि असी भी किते मलुकी वेस रखते हैं बोली गुरमत वाली होंदी बोली प्रभावशाली पर अंदर सोच केड़ी है अंदर सुरत केड़ी है पाही सुरत है अंदर फसाण वाली सुरत है सास फसाण वाली सिर ते हाथ फेरिया बस इक्को गल बोली जांदा है ओ सज्जन मैनू बख्श मोटे तो पकड़ के उठाया कहिंदे सज्जन बचन मनेगा वचन मनेगा कहले बाबा तू वचन का कर तू वचन का कर तेरा हर वचन सिर मथे ते एक शब्द सुनिया जी खाली एक शब्द बाबे नानक दे रसना दे विच्चों एक वचन देखो क्या असर कीता उस शब्द ने महाराज कहन लगे जितना धन है तेरे को सारा लोड़बंदा दे च वंड दे आखो सतनाम जितना तां लोड़बंदा च वंड सच्ची सुची किरत कर सज्जन सच्ची सुची किरत करके अपना गुजारा कर ते जितना ए ठगी दा धन इनू लोड़बंदा दे विच वंड दे जी पातशाह सच सत है दूसरा बचन मनेगा सज्जन पातशाह हुक्म ए जेड़ा तेरा घर है इनू धर्मशाल बना दे आखो सतना ए ठगवाड़ा सी ठगां दा वाड़ा इनू धर्मशाल बना दे धर्मशाल सवेरे शाम सत्संग होया करे रब दे नाम दी आवाज इथों गूंजिया करे इस ग्रह नू हरी धन दे नाल पवित्र कर दे हरी नाम नाल पवित्र कर मनेगा की पातशाह हुण तां ए सज्जन भी तेरा सज्जन दी हर शै तुहाडी जो कहोगे सज्जन करेगा आखो सतनाम सवेरे शाम लंगर चले इत्थे सवेरे शाम कीर्तन होवे इत्थे कोई आया गया यात्रु इत्थों खाली ना जावे सजना इत्थों खाली ना जावे
मनेगा पातशाह तू मेरे पिछले औगुण बख्श अगों जिद्दा कहेगा गरीब निवाज मैं ओदा ही मनागा खो सतना फागी सुरत मलू की वेस फागी सुरत मलू की वेस हों ठगवाड़ा ठगी देस हों ठगवाड़ा ठगी देस अंदर एक दो ठगियां नहीं साडे वाड़ा ही है वाड़ा अंदर इनिया ठगियां इनिया ठगियां के अंदर ठगियां का अड्डा बनिया पिया अड्डा तरह तरह के तरीके दे नाल ठगिया जाता तरह तरह के नवे तो नवा तरीका बंदा लभदा ठगण नूं चीट करन फ्रॉड करन किसी नूं दुख देण नूं आखो सतनाम वाहिगुरु किन्ने फ्रॉड के तरीके निकले हुए ने कईयां दे बैंक चो पैसे कढ़वाण दे तरह तरह के सत्संग तरीके ने ठगण दे कोई सीधा आके ठगदा है कोई पिछों ठगदा है कोई आ गुरमत का लिबास पाके ठगदा है साई कहिंदे ने चितवत रहे ओ ठगोर चितवत रहे ओ ठगोर नानक फांसी गल परी नानक फांसी गल परी हाँ जी नानक फांसी गल परी नानक फांसी गल परी चितवत रहो ठगोर चित जदों जे ठगियां दे विच लग्या रहा कहिंदे फिर फाई है फिर दुख है जतन बहुत सुख के किए जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न को दुख को कियो न को कहो नानक सुन रे मना हर पावे सो हो कहो नानक सुन रे सतगुर कहिंदे ने ये सारियां ठगियां ये पाप कर्म बंदा अपने सुख खातर करदा है उसी खातर करदा ना जी कि मैं सुखी हो जावां अगले नूं भावें दुख पहुंचावां अगले नूं भावें रोल दियां पर अपने सुख खातर ही करदा ना जी ये ठगियां अपने सुख खातर ही पर फिर भी दुख सामने आ जाते ने सत्संग ठगियां पाप सुख खातर करदे पर अगे तावी सत्संग दुख ही आते क्यों क्यों सतगुर कहते एदे हाथ विच नहीं आखो सतनाम एदे हाथ विच नहीं क्योंकि कुछ भी इस प्राणी की मर्जी उपर सत्संग निर्भर नहीं करता उस रब की मर्जी के उपर निर्भर करता है इस प्राणी की मर्जी के उपर कुछ भी निर्भर नहीं करता उदम कर सकते हो उदम करना साडा फर्ज है पर नतीजे नतीजे ओदे हाथ च नतीजे ओदे हाथ ते जे उदम ही करना है फिर चंगा उदम कर ली जरूरी उस उदम दे विच ठगियां करनी उदम भी कीता ते ठगियां खातर उदम भी कीता ते पाप खातर पाप खातर नहीं साईं कहिंदे ने जतन बहुत सुख के की दुख को किया ना कोई सारे जतन सुख वास्ते ने सारे जतन आंदे फिर दुख ने आंदे फिर दुख ने कहो नानक सुन रे मना हर पावे सो होए जो उस नूं पाउंदा है ओही कुछ होएगा ओही कुछ होएगा जो उस नूं पाउंदा है जी जगत पे खारी फिरत है
सब को दाता राम। जगत पे कारी फिरत है सब को दाता राम। जगत पे कारी फिरत है सब को दाता राम। कहो नानक मन सिमरते पूरन हो ऐ काम। कहो नानक मन सिमरते पूरन हो ऐ काम। जगत भिखारी फिरते हैं सब को दाता राम। सब जाचक तू एक को दाता। सब जाचक तू एक को दाता। मांगे हाथ पसारी मांगे हाथ पसारी मांगे हाथ पसारी मांगे हाथ पसारी। हाँ जी मांगे पसारी मांगे हाथ पसारी मांगे हाथ पसारी मांगे हाथ पसारी। जग भिखारी फिरत है सब को दाता राम। जगत भिखारी फिरत है सब को दाता। जगत भिखारी फिरत है मंगता पर केडे कमाल दी गल है अपने आप नू दाता समझदा फिरदा है। को सतना केडे रोना तो इसी जी दई अफसोस तो इसी जी दई है भिखारी पर दाता बनिया फिरदा दाता बनिया फिरदा। किसी नू देंदा भी है ना ते मन दे च यह सोचता मैं दे रहा मैं दे रहा देने वेले दाता बन जाता। औकात भिखारियां वाली है साड़ी असल औकात नू भुल जाने दाते बन जाने दाते बन जाने। दाता तो राम ही है जी दाता तो वाहिगुरु जी। असी चार पदार्थ अगर किसी नूं दे दईए ना उहदे मरण तक उहनूं जताने आ कि उस वेले मैं तेरे नाल आ कम कीता सी उस वेले मैं तेरे नाल खड़िया सी उस वेले मैं तैनूं आ चीज दित्ती सी आ मदद कीती सी। रब रब रोज सानूं नित सानूं हर पल सानूं देई जांदा पर कदे नहीं चितारदा कि मैं तैनूं दित्ता आ को सतनाम। गुरु दे दित्ते विच्चों गुरु दे दित्ते विच्चों दे रहे हैं ते माण अपने ते कर दे माण अपने ते कर दे। जे ओ देवे ही ना दसो जी जे ओ देवे ही ना ते कितों दे देंगे कितों दान पुन कर देंगे। जे सानू मंगतियां दी कतार च खड़ा कर देवे मंगतियां दी कतार दाते वाला माण कित्थों प्राप्त करेगा तू आखो सतनाम। जे वो सानू मंगतियां दी कतार च खड़ा कर दे दसो जी कित्थों दान करना कित्थों किसी दी मदद कर दे। महापुरख समत देंदे सन बाबा श्याम सिंह जी आटा मंडी वाले श्री अमृतसर साहब वो कहिंदे सन अगर किसी की मदद करनी है मदद किसी नूं कुछ देना है अपने हाथी कदे ना दिया करो किसी दे राही दवाया करो आखो सतनाम। किसी दे कहिंदे जदों बंदा अपने हाथी देंदा
कई बारी अखां दे विच हौमे दी चमक आ जाती है, दाता बनन दी वह जिहड़ी चमक होंदी वह आ जाती है। मैं दे रही दे कर मदद करनी है, किसी दे हत्थी पकड़ा दे जा दे, कोई नाओ ना जाने मेरा को सतना। मदद कित्थों आई, किन्ने दित्ती, ये जरूरी नहीं। मदद टिकाने ते पहुंच गई ना, सफली हो गई, आ जरूरी है बस। बाबा श्याम सिंह जी उन्होंने स्थान ते ना बाहर एक फकीर आया, सियाल दे दिन सन सर्दियां, बाबा श्याम सिंह जी ने देखिया भाई सर्दी भी है और ये कोई कंबली भी नहीं, तो चुप करके अंदर चले गए। तो अंदर जाके अपने सेवादार नूं कहण लगे, कहिंदे जा कंबली दे के आ, महापुरख बाहर खड़े ने, कोई गुरमुख प्यारे खड़े, उन्होंने कंबली दे। वो गया कंबली दे के वापस आ गया, महापुरख कहण लगे दे आया कंबली जी मां, जदों तू कमली दित्ती हाथ जोड़ के तू धन्नवाद कीता, सुनियो हाथ जोड़ के तू धन्नवाद कीता। कहिंदे महाराज मैं समझिया नहीं भी कमली मैं दे रहा ते हाथ जोड़ के धन्नवाद तां उह करेगा ना जिहड़ा दात लैंदा उह धन्नवाद करदा, ते महाराज तुसीं कह रहे हो कि मैं धन्नवाद। कहिंदे मैं तैनू कह रहा कमली दित्ती, दित्ती जी दित्ती, हाथ जोड़ के सीस झुका के निम्रता दे नाल तू धन्नवाद कीता। कहिंदे जी धन्नवाद तां नहीं कीता। कहिंदे तेरी सेवा खूह खाते पै गई आखो सतनाम। सुनियो जदों मैं असाखी पढ़ी पहनू अंदर तक वजी है, अंदर तक कहिंदे खूह खाते पै गई तेरी सेवा। महाराज मैं समझिया नहीं, महापुरख खुल के समझ। कहिंदे निरंकार ने सानू दात दित्ती, निरंकार ने सानू पदार्थ दित्ते और सामने लिया के कोई लोड़वंद खड़ा कर दिता। साडे चंगे भाग, साडे चंगे भाग कि निरंकार ने साडे कोलों ये सेवा ली है। आखो सतनाम। ओ करमा वालिया साडे चंगे भाग, अगर किसी होर कोलो निरंकार ने सेवा लैनी होंदी ते इस फकीर नूं किसी होर दे दर ते भेज देंदे, किसी होर दे घर ते भेज देंदे, उहदे कोलो सेवा करवांदे। ओ सानू ए नसीब, सानू ए मौका मिलिया, खुशकिस्मती साडी, तैनू धन्नवाद करना चाहीदा सी। महाराज तुहाडा धन्नवाद है कि साडी दित्ती चीज नूं प्रवान करदे पए हो। आ सतनाम। प्रवान कर आ सोच संगत जी, ये सोचा कितों मिल लगी है, कितों मिल आ संगत चो, आ संगत चो मिल। मैनू एक नवा रस्ता मिलिया, लैण वाला बंदा धन्नवाद करता करता, लैण वाला जी बड़ा तुहाडा धन्नवाद है, बहुत आप जी ने बड़ी मदद की, बहुत धन्नवाद। नवी पढ़ाई साध संगत, नवी पढ़ाई गुरमत दी, देण वाला धन्नवाद करे कि तुसी मेरी चीज नूं प्रमाण कीता है। सतनाम। मेरी चीज इहदे निमरता आंदी, और एक चीज दा उस वेले फखर महसूस करिया करो। फखर, फखर ए नहीं कि मैं दे रहा ना, फखर ए कि हे निरंकार, हे वाहिगुरु जी, हे मेरे सतगुरु जी, शुक्र है तुसी ए सेवा मेरे कोलो लई है। सतनाम। ए सेवा मेरे कोल लई, जे तुसी मैनूं दित्ता है ते मेरे कोलो सेवा लई, ए सेवा किसी होर कोल भी तुसी करा सकते सी, जिदे मर्जी हिरदे च बह जांदे उन्हूं प्रेरणा दे के इहदी झोली भरवा सकते सी। इहदी तां झोली भरी जांदी, मेरे पुण कित्थों बनने सन। आखो सतनाम। मेरे पुण सत श्री अकाल। सात संगत इह वड्डा गुण है, सतगुरु सानू समत दे रहे, जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता कहो नानक मन सिमरते पूरन होवे काम। उन्नू सिमर, उन्नू सिमर जिन्हें तेनू देन जोगा कीता है, उदी भगती करिया कर,
ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਥੈਂਕਸ ਥੈਂਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਥੈਂਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੱਚ ਸਾਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਗਤ ਭੇਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਜਗਤ ਭੇਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਿਮਰਤੈ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਕਾਮ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਿਮਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਿਮਰਤੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੋ ਪਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਿਮਰਤੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੋ ਪਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਰ ਲਓ ਨੇਤਰ ਬੰਦ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ, ਔਰ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਬਲਹਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
नानक मन सिमरते को नानक मन सिमरते मन सिमरते मन सिमरते मन सिमरते मन सिमरते पूरन होवे काम पूरन हो कहा करे झूठे मान कहा करे जग सुपने ज्यों जान जग सुपने ज्यों जान जग सुपने ज्यों जान जग सुपने ज्यों जान इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान तिन में कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान केंदे झूठे मान कहां करे कहां जग सुपने ज्यों जान क्यों झूठे मान करता फिरदा और किस चीज का मान किस चीज का आ माया ये पदार्थां दा ये सुख सुविधावां दा ये रुतबियां दा साई कहिंदे जिहड़ी तेरी है ही नहीं उहदा माण कर दा पेखारी ते राज करावे राजा ते पेखारी साईं कहंदे आ पल दियां खेडां ने उहदे वास्ते पल दियां खेडां जिस चीजां ते तू माण करी फिरदा है कल माण करन जोगा नहीं रहेगा क्यों माण करिए जी और फिर सतगुर कहंदे ने उस चीज दा माण उस चीज का माण जिहड़ा है ही सुपन कदे किसी ने सुपने का माण किया हुण सुपने दे च कोई डाक्टरी कर लवे सुपने दे च कोई जज बन जावे ते सुपने तो बाद हकीकत जे बोले मैं जज हाँ मैं जज हाँ मैं जज हाँ उस चीज का माण करे कादा माण होया जी मैं तो सुपने च डाक्टरी की सी जी मैं डिग्रियां लईयां ने सुपने च सुपने का माण करी जाता है कमला फर्क इना कि वह बंद अख दे नाल सुपना लैने आ जींदी आ खुले अख दे नाल आपां सुपना लै रहे हां आखो सतनाम फर्क जिहड़ा सुतियां नूं सुपना है वह अखां बंद दे नाल है ते आ जिहड़ा दृष्टमान चीजां ने यह खुली अख दे नाल सुपना लै रहे किसी का सुपना कुछ सालां लई किसी का सुपना कुछ सालां लई किसी का सुपना कुछ साल जिस दिन अख बंद होई सुपना टुट गया सौण दा सुपना किवें टुटदा है जिहड़ा सौण वाला उत्थे अख खुलदी है ते सुपना टुटदा है इत्थे अख बंद होंदी है ते सुपना टुटदा है खौसा वाहेगुरू चीजां वरतण वास्ते ने वरतो माया खर्चन वास्ते खर्चो सही अर्थ लाओ जिथों पुन इकट्ठा कर सको जिथों सतगुरु जी की खुशियां प्राप्त कर सको गुरु नानक की मेहर सात संगत इथों इकट्ठिया करके जाइए सुपने का कदे हंकार नहीं किया जा सकता सात संगत क्योंकि सुपने की हर शह झूठी होती है हर शह हर शह हर शह ते मेरे साईं खुल के कह रहे सुनो की कहते पापा परम मिटावो अपना पापा परम मिटावो अपना कहते साईं कहते ने केड़े परम च जींदा पे है केड़े परम च जींदा पे है पापा परम मिटावो अपना पापा परम मिटावो अपना यहा संसार सकल है सुपना यहा संसार सकल है सुपना
ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਸਗਲ ਹੈ ਸੁਪਨਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਸਗਲ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਇਹਾ ਸੰਸਾਰ ਸਗਲ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਸੰਸਾਰ ਸਗਲ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਪੱਪਾ ਪਰਮ ਮਿਟਾਓ ਆਪਣਾ ਪੱਪਾ ਪਰਮ ਮਿਟਾਓ ਪੱਪਾ ਪਰਮ ਮਿਟਾਓ ਆਪਣਾ ਪੱਪਾ ਪਰਮ ਮਿਟਾਓ ਆਪਣਾ ਇਹਦੀ ਪਕੜ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ ਪਕੜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਅਤੇ ਵੜਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ 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 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਰਤਦਾ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਕਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਹੈ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰਨਾ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਆਪੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀਟ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀਟ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਤਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਖੋ ਸਤਨਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕੈਸੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ 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 ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਏਗਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਏਗਾ ਪਰ ਏਦਾਂ ਮੇਰਾ ਬੋਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਕੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਅਠਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਹ ਘੰਟੇ ਬਾਈ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਹੁਣ ਆਪੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੋਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਧੀ ਦਾ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਡ ਜਾਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹਿੱਤ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰਲਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਨ ਮੈਂ ਕੱਚ ਕਹਿ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਮੇਰਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵੱਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨ ਮੈਂ ਕੱਚ ਤੇਰੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਬਖਾਨ ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਬਖਾਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਆਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਰਥ ਕੀ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਰਥ ਕੀ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਰਥ ਕੀ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਜ ਮਨਾ ਜੇ ਵਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਜ ਮਨਾ ਜੇ ਵਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਰਥ ਕੀਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ
अकारथ कीन जन्म अकारथ कीन जन्म अकारथ कीन। अगर तुहानू ए वीडियो बढ़िया लगी है तो लाइक करो अते अगे शेयर जरूर करो जी।